हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हॉरर मूवी देखने वाले हैं जो 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है द विकर मैन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। सीन शुरू होता है जहां इंस्पेक्टर एडवर्ड हमेशा की तरह अपनी सिटी में पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग करते समय उसके सामने से एक कार निकलती है जिसमें एक फैमिली बैठी होती है, और उसकी आंखों के सामने उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी फैमिली मर जाती है। इस बात को एडवर्ड अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता था, और इस वजह से वो परेशान होता जा रहा था, और इसलिए उसने कुछ दवाइयाँ भी उसके लिए शुरू कर दी थी। एक दिन उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विलो का एक लेटर आता है जिसमें वो बताती है कि उनकी बेटी रोवन काफ़ी टाइम से मिसिंग है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला है, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने में उसकी हेल्प चाहती है। विलो ने एडवर्ड को पहले कई बार धोखा भी दिया था, पर फिर भी वो एक अच्छा इंसान था और इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन एडवर्ड अपना बैग पैक करता है और सिटी के पास में एक आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां विलो रहती थी। इस आइलैंड पर एक ट्राइब रहती थी जिन्होंने उस पूरे आइलैंड पर अपना कब्जा कर रखा था। एडवर्ड की मुलाकात सिस्टर समराइल से होती है जिसे यहाँ के लोग एक गॉडेस मानते थे। इस जगह पर फीमेल्स डोमिनेट करती थी और मेल्स को यहाँ पर स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। अब एडवर्ड पैदल चलता चलता उस आइलैंड में आगे बढ़ता है और उसे कुछ औरतें मिलती हैं जिनसे वो अपनी बेटी रोवन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। वो नोटिस करता है कि उनमें से दो औरत एक बैग लेकर जा रही हैं जिनमें से खूब सारा हनी टपक रहा था। वो उसके बारे में पूछता है तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक होटल में पहुँचता है जहाँ वो अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक मिसिंग चाइल्ड को ढूंढने यहाँ आया है। अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विलो वहाँ आ जाती है और उसे एक रूम दिला देती है। इसके बाद वो एडवर्ड से बात करती है और कहती है कि उसे लगता है कि रोवन उसी आइलैंड पर कहीं खो गई है, इसलिए वो रोवन को ढूंढने में उसकी हेल्प चाहती है। बस एडवर्ड को गाँव वालों से थोड़ा बचकर रहना होगा। एडवर्ड कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ करेगा। अगले दिन एडवर्ड अपनी दवाई लेकर सो रहा था तभी उसे बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब चेक करता है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसकी बेटी की तरह ही दिख रही थी। उसका पीछा करते हुए एडवर्ड एक सुनसान जगह पर पहुँचता है जहाँ उसको रोवन का जैकेट मिलता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उस घर के बेसमेंट के ऊपर लटक जाता है। अब वहाँ से जैसे तैसे करके वो निकलता है। अगले दिन वो एक स्कूल में पहुँचता है जहाँ एक क्लास चल रही थी, और वो अचानक से वहाँ घुस जाता है। अब वो वहाँ बैठे हुए बच्चों से रोवन के बारे में पूछता है, पर रोवन की फ़ोटो देखते ही सब बच्चे चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके ऐसे रिएक्शन से एडवर्ड को शक हो जाता है और वो ज़बरदस्ती उस टीचर का रजिस्टर चेक करने लगता है जहाँ उसको रोवन का नाम तो लिखा हुआ मिलता है पर उसको किसी ने क्रॉस कर रखा था। अब वो उस टीचर से रोवन के बारे में पूछने लगता है और काफ़ी बार बोलने के बाद वो उसे कहती है कि रोवन मर चुकी है। एडवर्ड ये सुनकर उससे रोवन के मरने का कारण पूछता है तो वो कहती है वो जलकर मर जाएगी। एडवर्ड उसकी बात सुनकर उसे फिर से दोहराने को बोलता है, तभी वो जल्दी से अपना सेंटेंस करेक्ट करते हुए कहती है कि वो जलकर मर गई, और वो साथ में उसे चर्च यार्ड का एड्रेस बताते हुए कहती है कि उसकी ग्रेव वहीं पर बनाई गई है। अब एडवर्ड उसके बताए हुए पते पर पहुंचता है जहां विलो भी पहुंच जाती है और कहती है कि उसे विश्वास है कि रोवन अभी जिंदा है, और कहती है कि ज़रूर सिस्टर समराइल के कहने पर उसे कहीं छुपा दिया गया है। अब वो उसे रोवन के रूम में लेकर जाती है जहां उसने आखिरी बार रोवन को देखा था। वो कहती है कि वो रोवन से लास्ट टाइम यही मिली थी, पर उसके बाद से रोवन और उसका सामान यहाँ नहीं है। तभी अचानक से एडवर्ड को एक प्लेन की आवाज़ आती है और वो बाहर की ओर दौड़ता है ताकि वो उस प्लेन से कनेक्ट करके अपनी टीममेट्स की हेल्प ले पाए, पर बाहर पहुंचने पर उसको कोई सफलता हाथ नहीं लगती। तभी वो अचानक से ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी को तैरते हुए देखता है। उसे लगता है कि ये रोहन की डेड बॉडी है, और वो उसे बाहर निकालने के लिए उस पानी में उतर जाता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका वहम है क्योंकि शायद वो काफ़ी टाइम से अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहा था। वहाँ से खाली हाथ लौटने के बाद वो एक घर में पहुँचता है जिसमें एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था जो कि एक फोटोग्राफर थी। उस डॉक्टर को रोवन की पिक्चर दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, पर बाकी सबकी तरह वो डॉक्टर भी उसे सिर्फ नाम में जवाब देती है और उसे जाने को कहती है।
पर एडवर्ड वहां से जाता नहीं है, बल्कि वो पास ही झाड़ियों में छुप जाता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर वहां से दो लेडीज के साथ बाहर जाती है, तो वो उसे उसके घर में फिर से घुस जाता है और फिर से अपनी बेटी के बारे में ढूंढने लगता है। उसे वहां रोहन के बारे में तो कुछ नहीं पता चलता, पर उस आइलैंड के एक रिचुअल के बारे में उसे पता चलता है, जिसमें वहां के लोग इंसानों की बलि चढ़ाते थे। अब वो इन सब एविडेंसेस के साथ विलो के पास जाता है और उससे इन सब के बारे में पूछता है, पर विलो को इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। तो वो डिसाइड करता है कि वो सिस्टर समराइल से जाकर पूछेगा, जिसे वहां के लोग भगवान मानते थे। तभी रास्ते में वो एक आदमी से बात करने की कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को किसी का डर हो और इसलिए उसने एडवर्ड से कोई बातचीत नहीं की। अब एडवर्ड अपने रास्ते से आगे बढ़ता है, पर एक्सीडेंटली उसका पैर एक मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाता है और वो सभी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वो उनसे नहीं बच पाता और वो उसे काट लेती है और इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो खुद को सिस्टर समराइल के घर में पाता है। अब वो गार्डन में जाकर उनसे अपने सवाल पूछने लगता है। वो सिस्टर उसे अपने गांव के बारे में बताती है कि उनके गांव में मेजर पॉपुलेशन फीमेल्स की है और उस गांव में हनी का एक्सपोर्ट ही सबसे ज्यादा काम होता है। पर तभी एडवर्ड उनकी बातों के बीच में ही उनसे रोवन के बारे में पूछ लेता है। तब वो जवाब देती है कि वो किसी को मर्डर नहीं करते, बल्कि वो तो गॉड के लिए उन्हें सेक्रीफाइस करते हैं। उसका ये जवाब सुनकर एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सेक्रीफाइस नहीं बल्कि इसे मर्डर कहते हैं। अब उसकी बातों से एडवर्ड को लगता है कि रोवन शायद मर चुकी है और इसलिए वो उस टीचर के बताए हुए एड्रेस पर वापस पहुंचता है और वो उस ग्रेव को खोदने की कोशिश करता है, पर उसमें से सिर्फ उसे एक जली हुई डॉल मिलती है। तभी उसे पास में से एक आवाज आती है और वो उसकी तरफ जाता है तो उसे एक टैंकर मिलता है। वो उसके अंदर चला जाता है, पर तभी कोई उसे बाहर से लॉक कर देता है और वो वहां से बाहर नहीं आ पाता। अब मजबूरी में उसे वो रात ऐसे ही गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह विलो वहां पहुंचती है और उसे बाहर निकालती है। उसी टैंकर में उन्हें रोवन की एक जैकेट भी मिली थी। वहां से बाहर निकलने पर एडवर्ड विलो को बताता है कि आज मे डे है और आज ही के दिन यहाँ के लोग सेक्रीफाइस देते हैं और हो सकता है कि आज वो रोवन को ही सेक्रीफाइस करने वाले हों। अब उसे विलो की भी चिंता होती है तो वो उसे घर जाने को कहता है और वो खुद पूरे गांव में रोवन को ढूंढने लगता है। सब लोगों से पूछने के बाद भी कोई उसकी हेल्प नहीं करता तो वो एक सिस्टर को मुक्का मारकर उसका कॉस्ट्यूम उससे चुरा लेता है और उसे पहनकर वो बाकी लोगों के साथ उस रिचुअल में शामिल हो जाता है। अब वो सब एक जगह पर पहुंचते हैं जहां फाइनली उसे रोवन एक पेड़ से बंधी हुई दिख जाती है। अब वो उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ जाता है और उसे पेड़ से खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब वो उसे छुपाता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करता है। अब उसे लगता है कि वो उन लोगों से काफी दूर आ गए हैं, पर तभी वो शॉक हो जाता है जब वो ये देखता है कि रोवन दौड़ते हुए वापस सिस्टर समराइल के पास आ जाती है और उन सिस्टर के बाजू में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विलो भी साथ खड़ी होती है। अब वो सिस्टर रोवन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। उनकी बातों से एडवर्ड को रियलाइज होता है कि ये सब रोवन नहीं बल्कि उसके लिए ही एक ट्रैप बनाया गया था। उसे वहां पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विलो सिस्टर समराइल की बेटी थी और उन्होंने काफी टाइम पहले ही एडवर्ड को सेक्रीफाइस के लिए चूज कर लिया था ताकि वो उसकी बलि देकर अपने गांव के घटते हुए हनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब एक बार फिर से एडवर्ड को अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा मिला था, तभी वो वहां से बचने के लिए अपनी गन निकालता है, पर उसको तो विलो ने पहले ही खाली कर दिया था। अब सभी गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और उसे वो सब लोग मिलकर पकड़ लेते हैं। अब बड़ी ही बेरहमी से वो उसके पैर तोड़ देते हैं और मधुमक्खियों को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अब वो उसे एक बड़े से स्टैचू में बांध देते हैं जिसे वो सब विकरमैन के नाम से बुलाते थे। अब विलो अपनी बेटी को अप्रूवल देती है और वो जाकर उस स्टैचू में आग लगा देती है। उनके आग लगाते ही एडवर्ड की चीखें वहां गूंजने लगती हैं और वो वहीं जलकर मर जाता है। अब 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां एक बार में सिस्टर विलो और उसकी फ्रेंड बैठे होते हैं। वहां 2 नए पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं जिनमें से एक तो अभी अभी ग्रेजुएट होकर पुलिस में लगा था। अब वो दोनों उनसे बातें करके उन्हें फंसाने लगती है जैसे उन्होंने एडवर्ड को फंसाया था, और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।